महेश भट्ट भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हों, लेकिन नेपोटिज्म में इनका नाम सबसे पहले रहा। एक्ट्रेसेस के साथ बदतमीजियां करने में इनका नाम सबसे पहले रहा। एक्टर्स के साथ एक्स्ट्रा अफेयर इन्होंने हमेशा चलाया। जब किसी ने इन्हें धोखा दिया, धोखा यानी कि इनसे दूर होने की कोशिश की, एज अकॉर्डिंग टू हिम धोखा दे दिया, तो उसका करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया। कभी किसी की मदद नहीं की, प्रवीण बॉबी ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे पागल करा करने में महेश भट्ट का नंबर वन हाथ है। ऐसे में महेश के रिश्ते कई और अदाकाराओं के साथ भी जुड़ चुके हैं और एक नाम जिया खान का भी आता है। जिया खान इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, उन्होंने खुद की जान ले ली थी। बहुत ही बड़ा सदमा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को पहुंचा था। उन लोगों को सदमा पहुंचा था जो ऐसे लोगों की कदर करना जानते हैं, जो टैलेंट की कदर करना जानते हैं, और इस तरह से वो नहीं चाहते कि दुनिया में कोई भी थक हार कर इन सभी जालिम इंसानों से इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। जिया खान का नाम हम यहाँ इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई दिखाई दी हैं, जैसे कि आप उन्हें हमारे इस रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे। जिया खान महेश भट्ट एक दूसरे के कितने करीब नजर आ रहे हैं, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, क्वेश्चन मार्क कहकर बस हर जगह ये वीडियो वायरल हो रही है। ऐसा ही रिश्ता कहीं ना कहीं उनका उनकी बेटी पूजा भट्ट के साथ भी नजर आया, जहां तो उनको लिप लॉक भी वो सरेआम कर चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि पूजा काश मेरी बेटी ना होती, मैं तो उसे शादी कर लेता। और रिया चक्रवर्ती जिनका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, काफी बड़ी वजह रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को माना जाता है सुशांत के साथ कदम उठाने की, तो यहाँ रिया के साथ भी महेश का इसी तरह का रिश्ता रहा है, जहाँ उनकी गोद में बैठकर उन्होंने कई तस्वीरें क्लिक करवाई हैं और जिया खान के साथ भी उनका ऐसा ही रिश्ता नजर आ रहा है। तो अब महेश भट्ट के करेक्टर पर कई तरह के सवाल सालों से उठाए जा रहे हैं, आज भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार अंत क्या है? अंत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक सालों से चलती आ रही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टार्स की परंपरा है। स्टार्स यानी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज। आखिर इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you.